हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 22 ले रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का। तो उसमें हमारे ये इस चैप्टर का नेम है बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में ऐसे कौन से कोऑर्डिनेशंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। और हमारे ह्यूमन बॉडी का केमिकल सब्सटेंस होता है बेटा हॉर्मोन्स। ठीक है, तो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कहाँ पे रेगुलेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशंस करते हैं और हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फॉलो ऑन करते हैं हमारे बॉडी में। तो यही केमिकल कोऑर्डिनेशंस करने के लिए हमारे बॉडी में क्या होना चाहिए, दैट इज दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है बेटा, वो क्या रिलीज करता है, वो रिलीज करता है दैट इज द हॉर्मोन्स। इसलिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड्स आल्सो। इसमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होता, देयर इज नो डक्ट्स इन द दिस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, अब वो क्या सीक्रेट करता है, हॉर्मोन सीक्रेट करता है। एक तरह से हम लोग हॉर्मोन्स को डिफाइन ऐसा कर सकते हैं कि ये एक ऐसा टाइप का केमिकल है जो कहां से, इस एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस्ड होता है। और ये ऐसा केमिकल है जो प्रोड्यूस्ड होने के बाद इट इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ब्लड में क्या हो जाता है, ये रिलीज्ड हो जाता है। ओके, और रिलीज्ड होने के बाद वो कहां पे हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हॉर्मोन्स एक तरह का एक केमिकल है जो प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अ टारगेट ऑर्गन। और वो टारगेट ऑर्गन में जहां पे उसको पहुंचना है वहां पे ये पहुंचेगा। ठीक है, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं हॉर्मोन्स क्या है, वो एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स प्रेजेंट है। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स जो एक इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस्ड होता है। एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी ट्रेस अमाउंट्स, बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस्ड होता है जहां पे इसको जरूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने जैसे हॉर्मोन्स का डेफिनेशन वगैरह पर पढ़ा है, तो इसी तरह से ये हॉर्मोन जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारे ह्यूमन में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वो हम पढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब एंडोक्राइन सिस्टम में यानी कि हमें क्या चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स चाहिए। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी वो किससे बना हुआ होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स से बना हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ग्लैंड से कौन रिलीज्ड हो रहा है, दैट इज द हार्मोन जो सारे टिश्यू से डिफ्यूज होंगे और हर एक अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में वो चले जाएंगे। तो ऐसे ही ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहला ग्लैंड है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज आवर मास्टर ग्लैंड। हमारे बॉडी में ऐसा ये सब ब्रेन है और ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द मास्टर ग्लैंड। सारे ग्लैंड का रेगुलेशन जो करता है वो है हमारा ये मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर दूसरा ग्लैंड भी आता है दैट इज द पीनल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, ये सारे हम लोगों ने डिफरेंट एंडोक्राइन। अभी हम इसको सारे ग्लैंड्स को थोड़ा डिस्टिंग्विश में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वो है दैट इज द हमारा GIT ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टिशनल ट्रैक्ट। इट मीन्स दैट माउथ से लेके एनस तक का जो ट्रैक्ट है वहां पे भी कुछ हार्मोन रिलीज किया जाता है। लीवर भी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है, किडनी भी करता है और हार्ट भी करता है, किडनी एंड हार्ट। ओके, तो ये सब कुछ क्या कर रहा है, ये सारे लोग हार्मोन्स रिलीज करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे ये ऑर्गन्स भी है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने जैसे ये डायग्राम पढ़ा था, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स दे देता है और स्टोर कहाँ पे होता है, ये ऑर्गन है हमारा दैट इज दी हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस, और ये ऑर्गन है हमारा दैट इज द थैलेमस। ठीक है, और ये है दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड।
ओके हाइपोथैलेमस में ये सारे हॉर्मोन स्टोर होते हैं और वहां से जहां जहां पे रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है बेटा, अब हम लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा ये हाइपोथैलेमस में सारे हॉर्मोन स्टोर होते हैं, तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? वो हमारे फोर ब्रेन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ब्रेन का, तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, ब्रेन के मेजर थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है दैट इज फोर ब्रेन, ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज मिड ब्रेन, एंड थर्ड वन इज दी हाइंड ब्रेन। तो ये जो फोर ब्रेन है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आता है दैट इज हाइपोथैलेमस, फोर ब्रेन में एक आता है दैट इज द डाइसेफेलॉन, डाइसेफेलॉन, और दूसरा आता है सेरिब्रम। ठीक है, तो ये जो डाइसेफेलॉन है उसका बेसल पार्ट यानी उसके नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस का, उसका नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज हाइपोथैलेमस का। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक्चुअल में है क्या? हाइपोथैलेमस में जनरली फोर ब्रेन का जो डाइसेफेलॉन का जो नीचे का बेसल पार्ट है उसमें बहुत सारे वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। तो हाइपोथैलेमस सपोज ये ऑर्गन है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स हैं और ये सेल्स का नाम है दैट इज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है, अब ये जो सेल्स है उन लोगों को उन्होंने बोला है, उनको नाम दे दिया है न्यूक्लियाई इस हाइपोथैलेमस में, जो क्या प्रोड्यूस करता है वही लोग क्या करते हैं हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है, अब ये हॉर्मोन्स होते हैं, ये दिस हॉर्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, और यही हॉर्मोन्स क्या करेंगे रेगुलेट करेगा और सिक्रीशन करेगा ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस से, ये हाइपोथैलेमस है उसमें से ये जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो मेजरली टू टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा, एक आता है रिलीजिंग हॉर्मोन्स और दूसरा आता है दैट इज इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, इनहिबिटिंग यानी रोकना। ठीक है, इट मीन्स दैट रिलीजिंग हॉर्मोन विच स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ, जो सिक्रीशन करवाता है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का, इनहिबिट यानी जो रोकता है सिक्रीशन को पिट्यूटरी हॉर्मोन्स का जो रोकता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन है, एक आता है गोनाडोट्रोफिन, देखो ऐसा लिखा जाता है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हॉर्मोन। ठीक है, वो क्या करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस करवाता है और वो क्या रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन यानी कि टेस्टोस्टेरोन एजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये रिलीज क्या करता है, ये हॉर्मोन रिलीज करता है। हमारे बॉडी में बेटा ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, पर ज्यादा रिलीज ना हो सके तो वैसे कुछ हॉर्मोन भी रिलीज होते हैं जो उनको रोकने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या है इनहिबिटिंग हॉर्मोन है। ठीक है, अब जैसे कि हाइपोथैलेमस में से एक हॉर्मोन रिलीज होता है दैट इज द सोमैटोस्टेटिन, याद रखो ये सब बताया, जैसे मैंने रिलीजिंग का एक एग्जाम्पल ये वाला बता दिया GnRH, ठीक है, वैसे दूसरा एग्जाम्पल है सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, वो क्या करता है, वो कंट्रोल करता है किसको, ग्रोथ हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो ये क्या होगा सोमैटोस्टेटिन किसका आ गया एग्जाम्पल, इनहिबिटिंग का, रिलीजिंग का हार्मोन कौन आएगा GnRH। ठीक है, ये इसको रोकता है कि भाई ज्यादा ग्रोथ नहीं होना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सोमैटोस्टेटिन होता है। तो यही जो हॉर्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स से होते हैं और वो ये न्यूरॉन्स आप लोगों को पता है ऐसा ये डायग्राम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यूरॉन्स का, तो ये क्या है एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सॉन्स है, तो एक्सॉन से पास होके वो क्या करता है नर्व एंडिंग तक आता है, वहां से ये हॉर्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। यही हॉर्मोन्स कहाँ पे फिर जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस से वो कहाँ पे जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं थ्रू दी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, और वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में वो काम करना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। समझ में आया, तो इसी तरह से ये सारा हमारा फंक्शन आउट करता है कौन, हाइपोथैलेमस।
तो ये हाइपोथैलेमस के बारे में है कि ये न्यूक्लिया है, हॉर्मोन्स है, दो टाइप के हॉर्मोन्स है, उसके एग्जाम्पल से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हमने हाइपोथैलेमस के बारे में तो पढ़ लिया बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है बेटा, हम लोग उसको बोलते हैं कि देखो जैसे ये हमारा ये इस तरह से ये ब्रेन का कैविटी है, यहाँ पे भी एक ऐसा कैविटी है और इस कैविटी को बोला गया है दैट इज सेला टर्सिका, और इसी के अंदर कौन है, इसी के अंदर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, सेला टर्सिका एक्चुअल में थोड़ा हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होता है। अब ये हाइपोथैलेमस होगा ऐसे करके और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये जो सेला टर्सिका है वो अटैच्ड होता है विद अ एक स्टॉक से अटैच्ड होता है, और ये स्टॉक का नाम उन्होंने दिया हुआ है दैट इज द इंफंडिबुलम करके दिया है। ठीक है, तो सेला टर्सिका इज अटैच्ड टू अ हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। नाउ दिस पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जनरली टू मेजर टाइप्स में डिविजन है। ठीक है, पहला आता है दैट इज एडीनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, फिर नेक्स्ट है दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, एडीनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडीनो के भी मेजरली टू पोर्शंस है, उसमें बोला है उन्होंने ये याद रखना आपको पास डिस्टालिस, ओके, एंड दूसरा है दैट इज पास इंटरमीडिया इंटरमीडिया, ओके। अब ये जो पास डिस्टालिस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एंटीरियर। एंटीरियर का मीनिंग होता है बेटा आगे वाला, और उसका अपोजिट होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, जो बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। जो पार्स इंटरमीडिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, उसको हम लोग बोल देंगे पोस्टीरियर, पीछे वाला पार्ट, ओके। अब पार्स डिस्टालिस क्या क्या हॉर्मोन रिलीज करता है हम देख लेते, ठीक है। पार्स डिस्टालिस रिलीज करेगा सबसे पहले हमारा ग्रोथ हॉर्मोन, ठीक है, फिर आता है रिलीज करता है वो प्रोलैक्टिन, ये सारा आप लोगों को याद रखना है, फिर रिलीज करता है दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फिर रिलीज करता है एड्रिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, फिर आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिख रही बेटा, फिर आता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये सिर्फ पार्स डिस्टालिस रिलीज करता है। ठीक है, अब आता है दैट इज द पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया वो भी रिलीज करता है, और वो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है, वो है मेलेनोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट यानी स्किन वाला साइट, मेलेनोसाइट, तो याद रखा पिट्यूटरी ग्लैंड का एडीनो हाइपोफाइसिस, उसके अंदर पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस ये सारे हार्मोन रिलीज करता है, पार्स इंटरमीडिया ओनली एक ही टाइप का हार्मोन है दैट इज द मेलेनोसाइट रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब ये था एडीनो हाइपोफाइसिस, अब हम लोग पढ़ते हैं दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का सेकेंड पार्ट आता है दैट इज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोगों ने पास डिस्टालिस पढ़ा था, तो ये हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ओके। अब यहां पे ये क्या होते हैं, दो टाइप के ही हॉर्मोन रिलीज होते हैं, वो है दैट इज ऑक्सीटोसिन, ओके, और दूसरा है दैट इज वासोप्रेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये की भी क्या करेंगे, सिंथेसाइज कौन करता है, हाइपोथैलेमस, और ट्रांसपोर्टेड हो जाएगा टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है,
अब हम लोगों ने जैसे ये सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, अब ये हार्मोन्स के थोड़े से फंक्शंस पढ़ लेते। सबसे पहले हमने कौन सा हार्मोन पढ़ा था, पास डिस्टेरिस क्या रिलीज करता था, दैट इज द जीएच ग्रोथ हार्मोन। ओके, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जब बॉडी का एबनॉर्मल होता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो हम लोगों को कौन सी बीमारी हो जाती है, गिगांटिज्म। बहुत ही लंबे होते होंगे तुम लोगों ने देखा होगा। ओके, ये बहुत हाई सिक्रेशन में ये डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और जब लोअर होता है तो क्या बोने रह जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ, जो बहुत ही छोटे, ड्राफिज्म भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और ड्वार्फिज्म। तो ये क्या है, ओवर सिक्रेशन ऑफ जीएच और लोअर सिक्रेशन ऑफ जीएच, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है। जब कभी कभी ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में, जैसे हम लोगों की एज में बहुत ही एक्सेस ज्यादा ज्यादा सिक्रीशन हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा फेस पूरा अलग ही तरीके से दिखता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमैग्ली। ये तो क्या है कि जैसे बॉर्न होता है तब प्रॉब्लम आती, तो ये होता है, पर एडल्ट एज में जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होता है तब उस टाइम पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो अनप्रीमेच्योर डेथ भी हो जाता है, जब यदि एडल्ट पोर्शन में इस तरह से, तो प्रीमेच्योर डेथ होने की भी शक्यता इसमें होती है जीएच में। ओके नाउ, अब दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, एक हार्मोन पढ़ते हैं, ये हमने जीएच के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा एक प्रोलैक्टिन हार्मोन पढ़ा हमने, प्रोलैक्टिन, ठीक है, क्या करता है वो, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड है उसका ग्रोथ करवाता है, मेमोरी ग्लैंड्स का ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है कौन सा हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन। फिर आता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, वो क्या करता है, थायराइड हार्मोन का थायराइड हार्मोन्स रिलीज करवाने में हेल्प करता है, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे थायराइड के बारे में, ठीक है। अब आता है ATCH, एडिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, तो वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स को रिलीज करता है। तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे एक्टर एक्ट्रेस है वो स्टीरॉयड के हॉर्मोन्स की इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये बहुत ही ज्यादा सिक्रीशन करवाते हैं, और स्टीरॉयड हॉर्मोन्स को बोला गया है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। वो कहाँ पे है, हमारा ये जो किडनी है यहाँ पे ऐसे कैपलाइक एड्रेनल ग्लैंड है जो ये हॉर्मोन रिलीज करता है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन भी रिलीज करता है बहुत सारे, तो ये हमारे एड्रेनल ग्लैंड में से ये रिलीज करता है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके नाउ, अब हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज्ड होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, तो इन दोनों हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज दी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, उसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। जनरली जो हमारे मेल्स होते हैं, मेल्स, ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है, इन मेल्स एलएच स्टिम्युलेट्स एंड सिंथेसिस, वो क्या रिलीज करता है, एंड्रोजन। बेटा एंड्रोजन अब वर्ड याद रखो, तुम लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा टेस्टोस्टेरोन, ये हार्मोन बनाने में हेल्प करता है कौन, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ये जो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है FSH एंड एंड्रोजन, वो कौन सा प्रो करता है, वो स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, तो स्पर्म बनाने वाली प्रोसेस है स्पर्मेटोजिनेसिस प्रोसेस करवाता है। अब फीमेल है, फीमेल में LH क्या करवाते हैं, दैट इज दी ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है, फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर और वो करते हैं, वो हम लोग ये भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो ये ओव्यूलेशन करवाता है, और जो FSH जो होगा, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, FSH होता है, वो क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलपमेंट करेगा, ओके, और धीरे धीरे वो सारे फॉलिकल्स को बना के, जैसे कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग है तो ओवरी के अंदर ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स है और उनको ये बनाने में हेल्प करता है, तो हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ
फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ठीक है। तो ओवेरियन फॉलिकल का काम करता है, ये हो गया, ये हार्मोन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने सिर्फ एक ही हार्मोन जो न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टाले वो रिलीज करता था, तो हम लोगों ने पढ़ा था MSH, पार्स इंटरमीडिया एक ही करता था, वो हमारे स्किन का कलर देता है। तो हम लोग बोलेंगे दैट इज द पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन के पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। फिर एक आता है दैट इज द ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, जो हम लोगों ने न्यूरोहाइपोफाइसिस में पढ़ा, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में स्मूथ मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का काम करवाता है कौन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जनरली जब डिलीवरी होती है, फीमेल होती है वो जब डिलीवरी करती है प्रेगनेंसी के बाद, उस टाइम पे जो यूट्रस की वॉल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है कौन, ये ऑक्सीटोसिन। तो उसी के साथ में दूसरा हार्मोन भी था दैट इज दी वासोप्रेसिन, ठीक है। वो भी क्या करता है, वो किडनी में काम करता है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि किडनी में जो नेफ्रॉन है ना बेटा, वहां पे ये हार्मोन काम करता है, ठीक है। तो इसका हम दूसरा नेम भी बोलते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में मैं पूछूंगी। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी ये काम करता है, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो जाता है वो अपना काम करना बंद कर देता है, तो वाटर वहां पे क्या होता है, वाटर लॉस नहीं हो पाता, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन पर डायबिटीज इंसिपिडस, कौन सी डेफिशिएंसी होती, ADH जब अपना काम करना, वासोप्रेसिन और ADH अपना काम करना नहीं करता है, तो कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, याद रखिएगा बेटा। तो बेटा आज का मैं सिर्फ इतना ही कंप्लीट रखती हूँ। तो आप लोग ये वीडियो रिलेटेड जो मैंने बनाया है उसके क्वेश्चंस आप लोग एक बार लिख लीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चंस लिख लीजिएगा आप लोग, मैं इसका टेस्ट लूंगी। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, मेरे लिंक को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।